माँ, लक्ष्मी माँ, शुक्ला भक्ति देवी ने जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला। आसन ग्रहण कीजिए माँ। आज बहुत प्रसन्न लग रही हो सविता। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है माँ। आज मेरे दोनों बेटे काम पे जा रहे हैं। आज दोनों के लिए नई शुरुआत है। एक को नौकरी मिल गई है और दूसरा अपने पिता के साथ दुकान जा रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मनुष्य के कल्याण का कारण तो वह स्वयं होता है सविता। भगवान तो प्रेरणा स्रोत बनके बस उसे सही मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान बस अपनी प्रशंसा नहीं सुन सकते। मैं क्या ही कर लेती अगर आप मेरे साथ ना होती। मेरे बेटों के पहले वेतन से मैं आपके लिए पूजा करूंगी। आपको पता है माँ, आज मैंने अपने दोनों बेटों के पसंद की चीजें बनाई हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। आइए माँ, ये देखिए, ये रोहित के पसंद के परोठे। ये वैभव को समोसे बहुत पसंद है। सैंडविच बनाया है, इडली बनाई है, पोहे बनाए हैं। अरे यार सोने दो मुझे। उठो ना, जल्दी उठो। उठो। अरे उठ रहा हूँ। वैभव आखिरी बार बोल रही हूँ, जल्दी उठो। उठ रहा हूँ। ऐसे नहीं मानोगे ना? तुम रुको। वैभव उठोगे कि नहीं? 3, 2, 1। श्रेया, ये क्या तरीका है किसी को उठाने का? बाल्टी नीचे रखो। अरे कब से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है। अब यही तरीका बचा है मम्मी जी। अरे मम्मी जी, आपको भी सालों पहले यही करना चाहिए था। आपने कैसे उसे इतने लेट तक सोने की आदत डलवा दी। वैभव उठो ना जल्दी। वैभव, वैभव उठ गया? उठ गया मम्मी। ऐसे उठाते हैं, प्यार से। ताकि बाल्टी भर पानी से। मेरे तो सालों की प्रैक्टिस है, तुम भी सीख जाओगी। रोहित को ऑफिस जाना है, उसका नाश्ता बनाना है। उठ जा बेटा। आ जाना रेडी होके। आ जाऊंगा। माया जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। माया प्लीज। रोहित, रोहित बेटा नाश्ता तो कर ले। अब वो मम्मी, वो अरे मम्मी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बना दिया इनके लिए सैंडविच एंड कॉफी। मैंने सब तेरी पसंद का बनाया है। हाँ मम्मी, पहला दिन है आज, लेट हो जाऊंगा। मैं शाम को मिलता हूँ ना आपसे। ओके बाय। वैभव, वैभव, पता नहीं नवाब साहब अभी तक उठे कि नहीं। वैभव आया पापा। बस बस आया, रेडी रेडी एकदम। मुझे लगा आज तुम्हारे भरोसे दुकान दोपहर के बाद खुलनी पड़ेगी, पर तुमने तो पूरी सृष्टि पे मेहरबानी कर दी इतनी जल्दी उठ के। कमाल। पापा चलिए फटाफट नाश्ता करते हैं। 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। चलो चलो जल्दी चलो। All the best. वैभव। हाँ आया आया पापा। कहाँ रह जाते हो? हाँ आप भी बिना नाश्ता किए जा रहे? वैभव नाश्ता कर लिया। हाँ नहीं 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 नहीं, पहली देर हो चुकी है। अब अगर तुम इसे 56 भोग का नाश्ता खिलाने बैठ जाओगी तो जब तक मार्केट पहुँचेंगे आधी दुकानों का शटर खुल चुका होगा। अरे चल। पर ना इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट लग रहा है। मम्मी जी कहाँ लेकर जा रही है? मुझे भी खाना है। क्या क्या वैरायटी है, पराठे, समोसे, सैंडविच, इडली भी वैभव का फेवरेट। उसी के लिए बनाया मैंने। तो क्या हुआ मम्मी जी, हम है ना, हम खा लेंगे। मैं तो रोहित भैया का फेवरेट पराठा भी खाऊंगी। इतना ऑसम खाना कोई छोड़ सकता है? आइए आप ही बैठिए। इसके बाद में मुझे पापा से मिलने जाना है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये लीजिए ना, आप ही खाइए खाइए। मुझे पता है आपके हाथ का तो टेस्ट ही होता है, देन मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। अरे जीजा जी जल्दी आइए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट पार्टी चल रही है। आइए आइए जल्दी आइए। देखिए मम्मी ने क्या क्या बनाया है। अरे इतना सारा, क्या बात है, पोहे। जल्दी लीजिए प्लेट में, ये लीजिए। लाइए लाइए। मतलब अपने प्यारे प्यारे बेटों के लिए बनाई है ये, और निकम्मा बिना खाए चले गए। अरे समोसा भी लीजिए। वाह अच्छा चलो मम्मी, मैंने बहुत खा लिया, अब मैं निकलती हूँ। और मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, वो खा के नहीं गए तो क्या हुआ, आप नाश्ता दुकान पे तो भिजवा सकती है ना। हाँ मैं ना उनका टिफिन पैक करके देती हूँ। हाँ हाँ परफेक्ट, आती हूँ। ये सब क्या है, कहाँ से आया सब कचरा? सड़क की सफाई वगैरह नहीं हुई क्या? अरे नहीं भैया, वो मुझे तो लगता है कोई जानबूझकर अपनी दुकान के सामने डाल दिया है। जानबूझ के? हाँ देखिए ना, खराब भाई नहीं हुआ जा रहा है। तो जाके किसी को बुला और कचरा साफ करवा। दुकान के आगे कचरा पड़ा रहेगा तो ग्राहक कहाँ से आएगा? फिर जा। लाला जी ग्राहक तो वैसे भी आपकी दुकान में नहीं आते। वैसे कमाल है, पता नहीं किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मार्केट के पूर्व प्रेसिडेंट की दुकान के आगे ये हाल कर गया। पापा छोड़िए, सुबह सुबह इनके मुंह लग के अपना दिमाग खराब क्यों करें। आइए दुकान खोलते हैं, चलिए। नमस्कार लाला जी। नमस्ते। माफ कीजिए, दुकान के आगे कचरा पड़ा हुआ है, बस भी हटा ही रहे। इसके लिए तो हम अपना नाक बंद कर लेंगे, लेकिन बाहर लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे? मतलब नहीं, ये खबर सच्ची है या कोई अफवाह कि आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया है? डैडी जी इतने परेशान थे ना कि हमसे देखा नहीं गया। मतलब नाक बंद करूं कि आंख, समझ में नहीं आया। इतना कूड़ा, बदबू ही बदबू थी वहां तो। ये सब रूपचंद का ही काम है, वही हमारे पीछे पड़ा है। तो यही काम हम भी कर सकते हैं ना सासू माँ। कल सुबह उठ के जाके उसके दुकान के बाहर कूड़ा रख देंगे, लेकिन नहीं, फिर मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मैं तो कहता हूँ सासू माँ, रूपचंद से निपटने के लिए ना कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। आज तो साले साहब का पहला दिन था ना नौकरी का, आए कि नहीं? हाँ मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। आज मैंने उसी की पसंद की सब्जियाँ भी बनाई है। हाँ मम्मी आ गया। अरे किधर है सब लोग? अरे माया, अरे माया किधर मम्मी? अरे जल्दी आओ माया। ये सब क्या है? आज मेरी नौकरी का पहला दिन था ना, तो मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। अरे सैलरी तो आखिरी दिन मिलता है ना, तो ये सब कैसे? अरे जीजे, बॉस ने आधी सैलरी एडवांस में दे दी। ये देखो माया, तुम्हारे फेवरेट ब्रांड के सैंडल। ओह माय गॉड, थैंक यू। बहुत प्रिटी है। एक और ये तुम्हारे फेवरेट ब्रांड का मेकअप का सामान। ये सही किया। ये तो मेरा फेवरेट ब्रांड है। थैंक यू। और एक मिनट, साड़ी। ये माँ के लिए साड़ी, कलर भी अच्छा है, आपके जचेगा। माया, मैं एक दुकान से गुजर रहा था तो मैंने ये कलर देखा और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई। बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। बहुत सुंदर है मम्मी, अच्छी है ना? हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और पता होता तो 2-3 साड़ियां और लेकर आता। और मम्मी ये आपके लिए। मेरे लिए लाया? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपकी वजह से तो नौकरी मिली मुझे। मिठाई का डब्बा? हाँ। माया, बहुत प्रिटी कलर है। चलो चलो, मैं तुम्हें ये सब ट्राई करके दिखाती हूँ। हाँ। मम्मी ये टिफिन दो देना। चलो। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ, बेटा लाइन पे आ गया है। आज से उसका काम शुरू हो गया है, वो भी तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है। आज आते वक्त सबके लिए तोहफे ले आया है, और जो बहू हमेशा मुंह फुलाए रहती थी, आज वो भी बड़ी खुश है। वैसे तो तनख्वाह महीने के अंत में मिलती है, लेकिन उसके बॉस ने आज उसे आधी तनख्वाह एडवांस में दे दी, तो मेरे बेटे की आज पहली कमाई भी हो गई है। अति उत्तम, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। किंतु सविता, इसमें मेरा भाग कहाँ है? तुम तो सदैव अपनी दुकान की कमाई का एक भाग मेरे लिए निकालती हो, और तुमने तो संकल्प भी लिया था कि रोहित के पहले वेतन में से तुम घर में पूजा रखवाओगी। माँ, सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है, आप तो स्वयं धन संपत्ति की देवी है, आपको किस चीज की कमी है? कार्य होते ही कारण को भूल गई। विपरीत समय में भगवान बचे और बचते ही भगवान को भूल जाओ। वैसे भगवान भक्त से सच्चे भाव की ही अपेक्षा रखते हैं, किंतु कार्य पूर्ण होने के पश्चात भक्ति भगवान से भावता उतरने लगते हैं। कोई बात नहीं सविता, मेरा भागना सही, किंतु तुम इस बात का ध्यान रखना कि इस घर में कलेश या द्वेष नहीं होना चाहिए, अन्यथा मेरा यहाँ निवास करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देखना सब एक साथ प्यार से रहेंगे। तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया, किंतु तुम्हारे पुत्र रोहित ने अपने वेतन में से कुछ ना कुछ भेंट तो तुम्हें अवश्य दी होगी, है ना? ये मिठाई, नारियल की मिठाई, किंतु तुम्हें तो ये मिठाई पसंद नहीं है। क्या तुम्हारे पुत्र रोहित को ये बात ज्ञात नहीं थी उसे पता है पर भूल गया होगा। और वैसे भी ये मिठाई ना उसके कंपनी के मालिक ने दी है, उसने ध्यान नहीं दिया होगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है सविता? अब देखना माँ, मेरा बेटा अच्छे काम ही करेगा, सफलता के रास्ते पे चलेगा वो, और माया कभी घर छोड़ने की बात नहीं करेगी। उन दोनों का जीवन कुशलमय कर दिया आपने, कल्याण कर दिया आपने। भाभी, दाल बनी नहीं अब तक। दाल की किसको पड़ी है? आज रोहित का पास्ता खाने का मन था तो मैं उसके लिए पास्ता बना रही। So sweet। नहीं नहीं, उसे स्वीट सॉस पास्ता पसंद नहीं है। ये मेरी उसके लिए स्पेशल रेसिपी है। नहीं, मेरा मतलब आप कितने स्वीट हो। रोहित भैया के लिए कितने प्यार से कुकिंग कर रही है। दाल भी बना रहे थे दूसरे बर्नर पे। तुम कब से दाल दाल कर रही हो? मैंने एक बार बोल दिया ना, दाल नहीं पास्ता बनेगा। भाभी लेकिन बाकी सबके लिए तो बनानी पड़ेगी ना। दादी, मम्मी जी, डैडी जी, वो तो सब्जी या दाल ही खाएंगे, थोड़ी ना पास्ता खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? मैं सबके लिए बना रही हूँ ना, हो जाएगा। और वैसे भी उन्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कब से वही जिंदगी वही खाना। सबके लिए अलग से दाल कोई ना बनाने बैठूंगी मैं, इसलिए सब वैसा का वैसा ही है इतने सालों से, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। दादी को कोलेस्ट्रॉल और डैडी जी को बीपी का प्रॉब्लम है, अब चीज वाला पास्ता उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। भाभी अरे बस करो तुम यार श्रेया, यहाँ पे तुम्हारे लेक्चर ही नहीं खत्म होके देते। यहाँ पे मैं रोहित के लिए कुछ कर रही हूँ और तुमसे देखा ही नहीं जा रहा। अरे लेकिन... और एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस घर में सिर्फ वही है जो कमा के ला रहे हैं, क्योंकि दुकान से तो कुछ आता नहीं और आपके सजना कुछ करते नहीं। तो एक आदमी जो कमा रहा है, ढंग की नौकरी कर रहा है, उसे तो ढंग का खाने दो। मैंने कब मना किया भाभी? आप पास्ता क्या, आप रोहित भैया के लिए पिज्जा भी बनाइए, पर बाकी सबके लिए उन्हें जो अच्छा लगे वही बनाना पड़ेगा ना। बस करो यार श्रेया तुम, अब से जो मैं बोलूंगी वही होगा, तुम डिसाइड नहीं करोगी यहाँ पे। अरे भाभी, अरे मुझे करने दो ना प्लीज, पास्ता बनेगा यार। अरे ये क्या हो रहा है? श्रेया, माया, मम्मी जी क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती यहाँ पर? अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है माया, ये तेरा घर है। लग तो नहीं रहा, अब तो यहाँ पे शांति से किचन में खाना भी नहीं बना सकती मैं। श्रेया, तूने फिर से भाभी को कुछ कहा? भाभी आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही है। देख लिया, इसने तो मुझे विलेन ही बना दिया मम्मी इस घर में। यहाँ पे तो हम दोनों की कोई इज्जत ही नहीं है, तो क्या करें हम इस घर में रह के। माया, माया, माया तुम रो रही हो, क्या हो गया माया? मुझे अब इस घर में नहीं रहना। अरे माया माया एक मिनट मेरी बात सुनो, ऐसी बातें मत करो। तुम मुझे बताओ क्या हो गया? वही जो इस घर में हमारे साथ रोज होता है, फिर से इंसल्ट हुई और क्या। पहले सब तुम्हें सिर्फ नालायक और निठल्ला समझते थे, इसलिए मुझे लगता था शायद इसीलिए इज्जत नहीं देते। अब तो तुम कमाने भी लगे हो, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है माया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और तुम दोनों के बिना तो ये घर ही नहीं है। वही घर जहाँ पे मैं अपनी मर्जी से अपने पति के लिए मनपसंद पास्ता भी नहीं बना सकती, वो हमारा घर कैसे हुआ मम्मी? पास्ता नहीं बना? कौन है जिसने पास्ता नहीं बनाने दिया? अरे कहाँ मना किया, वो तो बनाया ना इसने। उसने बनाने का मूड छोड़ा हो तो बनाओ ना मम्मी। श्रेया तो बस चाहती है कि ये जेल का ही खाना खाए। उस दिन सही कहा था तुमने, तुम यहाँ से बेहतर तो जेल में ही थे। मैं ही पागल हूँ, फिर से तुम्हें यहाँ पे लेके आ गई। पापा क्या रह रहे थे ना, ठीक थे। इस घर में कलेश या द्वेष नहीं होना चाहिए, अन्यथा मेरा यहाँ निवास करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पर अब अकल आ गई है मुझे, देर आए दुरुस्त है। रोहित, हम आज ही जाएंगे यहाँ से, तुम सामान पैक करो। माया, ये तुम दोनों का घर है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम परेशान मत हो, मैं उसे डांट लगाऊंगी। मम्मी, जब इस घर में मैं शादी करके आई थी ना, बहुत सी एक्सपेक्टेशन लेके आई थी, बहुत से सपने लेके आई थी, और एक एक करके ना वो सारे सपने टूटते गए। मेरे मन का मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे, पर इज्जत हमेशा मिली और मैं उसी में ही खुश थी। आज वो भी चली गई, तो आप ही बताइए मम्मी, हम कैसे रहे यहाँ पर? रोहित, कल सुबह ही हम पापा के यहाँ जा रहे हैं, सामान पैक कर लो, और अब मेरा डिसीजन बदलेगा नहीं। माँ, माँ, लक्ष्मी माँ, माँ तभी आएंगी जब मैं खुश होके बुलाऊंगी। लक्ष्मी माँ, देवी ने जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। कितनी भी समस्याएं हो, परंतु मुख पर से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन माया और रोहित वो दोनों घर छोड़ के चले जाएंगे। माया ने फिर से घर छोड़ने की जिद पकड़ ली है। किस कारणवश? श्रेया बनी हुई उसकी परेशानी है। श्रेया का छोटे बड़े का गणित ठीक नहीं है, उसकी जुबान पे काबू ही नहीं है, जो मन में आए बोल देती है, बिल्कुल मुंह फट है। और जब बात करती है ना तो ऐसा लगता है कि डांट रही है, इसलिए कोई उसकी सुनता नहीं और इस चक्कर में झगड़े हो जाते हैं। माया के साथ भी यही हुआ। समझ में नहीं आ रहा है ये समस्या कैसे सुलझाऊं। तुम्हें याद है सविता, जब तीनों लोक में विभाजन हुआ था तब इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उनकी ये उत्तेजना सभी के मार्ग में बाधा बन गई थी। तो विष्णु जी को एक उपाय आया, उन्होंने इंद्रदेव को देवराज इंद्र बना दिया और फिर सारे उत्तरदायित्व स्वयं देवराज इंद्र के ऊपर आ गए और उनका ये क्रोध उनकी शक्ति में परिवर्तित हो गया, जिसके तौर तरीके सही ना लगे कभी कभी उसे ही अधिकार दे देने चाहिए, ताकि वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण पा सके और अन्य सभी को भी उसके बताए मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई ना हो। समझ गई माँ, आप घुमा फिरा के कान पकड़वाती है, पर अंत में मेरी पकड़ में आ ही जाता है। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे तुमसे यही आशा थी। विनीता जी, आप यहाँ कैसे? यूं ही आ गई, सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। कल लड्डू बनाए थे आपके लिए, वही देने आई हूँ। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। हम इसको खा लेंगे, अब आप जाइए। अरे, एक लड्डू हमें भी खिलाइए ना अपने हाथ से। हम बना सकते हैं तो आप खिला नहीं सकते? अरे यहाँ इस तरीके से हम अपने मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं ना, मार्केट में। मैं तैयार होके आता हूँ। पक्का? पक्का। पक्का? पक्का, पकाओ मत। अरे कहा क्या? अरे ओ जीजे, इधर क्या कर रहे हो आप? घूमने गया था। क्या घूमने गए थे? अरे वो अदिति के आपके मोबाइल पे 3-3 बार फोन आ गए, साथ में क्यों नहीं लगे फोन? अरे आ रहे हैं भाई। अरे क्या आ रहे हैं? बीवी को इतना वेट कराओगे ना तो लेटा लेटा के मारेगी। चलो अंदर। आ रहे हैं, आ रहे हैं। सुनिए, गई नहीं अभी तक। डब्बा लाइए वापस। क्यों, क्या हुआ? लाइए, आप जाइए और फोन पे बात कीजिए। टीवी को इतना देर वेट नहीं करवाते ना। और हाँ, ये लड्डू भी अपनी बीवी को ही बोलिएगा कि आपको बनाकर खिला दे। विनीता जी, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। आप शादीशुदा हैं, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मुझे तो बात ही नहीं करनी है। अरे सुनिए तो सही, उसके बाद भले ही आप मुझे चप्पल से मारिएगा। हाँ, मैं हूँ शादीशुदा, पर मेरी बीवी मुझे मारती है। चलिए, यहाँ पे जम नहीं रहा। रोज मारती है। घर में पिज्जा, पास्ता, इंडियन, चाइनीज कुछ भी बनाओ, लेकिन खाना तो मुझे सैंडल ही पड़ता है ना। डेली अलग अलग ब्रांड के लाती है और मेरे पे ट्राई करती है। क्यों? क्योंकि हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाए ना, इसीलिए बहुत दुर्व्यवहार होता है। इसलिए इसकी तैयारी जम के करते हैं। एक बार लाल बत्ती लग गई तो शायद थोड़ा कम पीटेगी। बाय। इन सब में आप मिली मुझे, आपसे दो पल बात करके अच्छा लगता है। खुशी के दो पल मिल जाते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। अगर मैं गलत होता तो आप समझ जाइए मैंने कभी आपसे दुर्व्यवहार किया नहीं ना। तो लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहती हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm really sorry विनीता जी, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। नेवर। चलता हूँ, बाय। अरे मम्मी बताओ क्या बात है। सासू माँ, आपने हम सबको एक जगह जमा किया, क्या बात है? मैंने एक बहुत जरूरी फैसला लिया है जो सबको सुनाना है। जरूरी फैसला? मैं समझ गया सासू माँ, आप भी सही हैं। मैं कब तक यहाँ बैठ के आईएएस की तैयारी करता रहूंगा? मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ सासू माँ, बस मुझे 1 साल और झेल लीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। दामाद जी, आपको जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो बात नहीं है। आप बैठ जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे जीजे, अरे जीजे, अरे क्या जीजे जीजे, बैठने दो ना यार। मसला क्या है? मुझे नहीं मालूम। सालों पहले जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी, तब अम्मा ने मुझसे कहा था कि तू इस घर का सौभाग्य है, ये घर तेरी जिम्मेदारी है। ये कह के चाबियां मुझे दी थी। अम्मा की वो बात मैंने गांठ बांध ली और आज तक इस परिवार को चलाते आई हूँ। लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी के इस बोझ को हवाले करना चाहती हूँ। अम्मा ने मुझे सौंपी थी, अब मैं ये चाबियां अपनी बहू को सौंपना चाहती हूँ। बहुत अच्छा समाधान दिया आपने माता। जय लक्ष्मी माँ। माँ, आप धन्य। श्रेया को उत्तरदायित्व देने का सुझाव आपने अपनी भक्त सविता जी को दिया है, ये अत्युत्तम है। माँ, सही व्यक्ति को घर की जिम्मेदारी मिलेगी तभी इस घर का उद्धार होगा। जिस प्रकार आपकी भक्त सविता ने बरसों से इस घर को संभाल के रखा है, वह कार्य अब श्रेया करेंगी। माँ, क्या हुआ? आप शांत क्यों हैं? मैंने सुझाव तो दे दिया वत्स, किंतु सविता ने उसमें से कितना और क्या ग्रहण किया, ये देखना होगा। कभी कभी अधूरा ज्ञान अज्ञान से अधिक विनाशकारी होता है। अब ये तो समय से ही ज्ञात होगा कि सविता अपनी समस्या सुलझाएगी या उलझाएगी। अम्मा को तो सोचना नहीं पड़ा, मैं अकेली थी, लेकिन मेरी तो दो बहुएं हैं। कायदे से तो बड़ी बहू का हक बनता है, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। छोटे बड़े में फर्क उम्र से नहीं, अकल से किया जाता है। इसलिए मैंने भी अपनी अकल चलाई और सोच समझ के एक फैसला लिया है। ये सिर्फ चाबियां नहीं, इस घर का भविष्य है और इन्हें सही हाथों में सौंपना मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैंने फैसला लिया है कि इसकी सही हकदार मेरी बड़ी बहू माया। खुश थैंक यू मम्मी जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप कभी भी मुझे इस लायक समझेंगे। ये काम तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, जब तुम इस घर में बहू बन के आई थी तभी। मैं नहीं देर करती, अब तुम इस घर को छोड़ने की बात मत करना। ये लो, आज से ये तुम्हारी। ये सिर्फ चाबियां नहीं है, ये रिश्ते हैं। इन्हें संभाल के रखना, संजो के रखना। ये शोर मचाती है, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होती। ऐसे ही इस घर को भी जोड़े रखना। तो आज से ये घर माया चलाएगी। माया सिर्फ घर की बहू नहीं, इस घर की बॉस भी है। मैं बहुत बन चुकी मास्टर दी, अब से माया क्लास लेगी सबकी। और हाँ, माया को कोई तंग नहीं करेगा। जैसा जैसा माया कहेगी सबको सुनना पड़ेगा। वाह मम्मी वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बॉस की सेक्रेटरी पहुंच गए वहां। यस, हाउ आई एम ऑब्लाइज्ड। कांग्रेस भाभी। कांग्रेचुलेशंस बॉस लेडी। चलो भाई मुबारक हो। रोहित, तुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है ना? मैं नाश्ता नहीं, अब से तो माया तय करेगी कि क्या नाश्ता बनेगा। मम्मी आज आप बना लीजिए, मैं तैयार होके आती हूँ। मैं भी तैयार होके आता हूँ। सविता, आलू की सब्जी और पूरी बना रही हूँ अम्मा, और खीर भी बनाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन बहुत खास है। खास का तो पता नहीं सविता, ये दिन तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ अम्मा, आपको भी वो दिन याद आता होगा ना जिस दिन आपने मुझे इस घर की जिम्मेदारी सौंपी थी। हाँ याद है ना मुझे। और उस दिन को याद करके मैं भगवान का रोज शुक्रिया अदा करती हूँ, पर तू ये कर पाएगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता। क्या किया तूने ये सविता, तुझे लगता है वो संभाल पाएगी? और उसने भी घर की चाबियां इनाम समझकर रख लिया आराम से। घर की चाबियां ना पुरस्कार नहीं, परीक्षा होती है एक गृहिणी के लिए, और जिसमें वो पूरी तरह फेल होने वाली है। फरजाना ना पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तू ऐसा कैसे कर सकती है सविता? अरे हंस रही है तू? माँ, तुझे पता नहीं है माया के रवैये। अम्मा, भगवान विष्णु ने भी इंद्र का रवैया देख के एक फैसला लिया था, उन्हें देवराज बना दिया। यूं समझ लीजिए मैं विष्णु जी का काम कर रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए। क्या कह रही है तू सविता? अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब ना इस घर में सिर्फ खुशियां आने वाली है, आप देखना अम्मा। और तुझे ये कौन दिखा रहा है? अचानक तू बड़ी वेद पुराणों की बातें करने लगी। ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है, समझ लो। आजकल मेरे सपने में आके मुझे दर्शन देने लगी है। अच्छा, तू जितनी बड़ी भक्त है ना उनकी, हो सकता है एक दिन खुद ही चलकर आ जाए तेरे लिए। मूड क्यों खराब है? चाबियां भाभी को मिल गई इसलिए? हाँ, मैं तो 80s की फिल्मों वाली शातिर छोटी बहू हूं ना, जो सबसे जलती है। स्टूपिड। तो फिर मूड क्यों खराब है? मैं तो उल्टा कितनी खुश हो गई थी भाभी के लिए, उन्हें कांग्रेस भी बोला, पर उन्होंने देखा तक नहीं मुझे। यार श्रेया, तो क्या है ना, सुनो श्रेया, तुम भी तो कभी भी कुछ भी बोल देती हो, उन्हें भी तो खराब लगता होगा ना। तो घूम के फिर से गलती मेरी ही है। श्रेया, क्या जरूरत थी वो किचन में पास्ता और दाल वाली फाइट करने की? तुम ही बताओ, मैं सुन रहा था। श्रेया, ये छोटी छोटी चीज जाके ना आगे चल के रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। छोड़ो ना। पर इन छोटी छोटी बातों से लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं। अब ऐसा तुम उनसे एक्सपेक्ट करती हो, राइट? वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करती होंगी तुमसे। यार श्रेया, वो बड़ी हैं, उन्हें भी तो लगता होगा कि ये कैसे मुझसे बात कर रही है। तुम ही बताओ। और क्या है ना श्रेया, सबके साथ रहना है तो तालमेल बना के रखना पड़ता है। मम्मी को ही देख लो ना, इतने सालों से सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है ना, तो अपने आप को ना मम्मी के लिए कंट्रोल कर लिया करो, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। गलतियों को ढकना परमानेंट सलूशन नहीं होता है वैभव, और मम्मी जी हर बार यही करती है। क्या श्रेया, मतलब जब देखो तुम्हारा मॉरल लेक्चर शुरू हो जाता है, कहीं की बात को कहीं और लेके चली जाती है। मतलब पास्ता को तुमने परवरिश से जोड़ दिया, अलग ही टैलेंट है ना तुम्हें। पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम सपोर्टिव नहीं हो रही हो श्रेया। कभी मुझमें, कभी मम्मी में, कभी भाभी में, सब में तुम्हें गलतियां ही नजर आ रही है। तुम ही सही हो, बाकी हम सब गलत है ना, राइट? सबके साथ रहना है, तालमेल बना के रखना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना है, तो इतना समझना पड़ेगा। कॉमन सेंस है ये, मुश्किल है क्या समझना तुम्हारे लिए? तुम ना रहने दो श्रेया, तुम बस अपने काम में ध्यान दिया करो, क्योंकि वही तुम्हें खुशी देता है ना? आज ये पहन लेना, कल जो पहना था उसमें एक नंबर के डफ्फर लग रहे थे। खुद को ड्रेसिंग सेंस तो है नहीं, मुझे कॉमन सेंस समझा रहे हो। जी, आज 2 बहुत बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं। माल में और पैकिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझा? नहीं होगा ना, फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना। मैंने कहा था ना मुझे एंट्रेंस पे बोर्ड चाहिए सुखसागर नमकीन का, क्या हुआ उसका? बैनर वाला क्यों नहीं आया? मैं एक बैनर वाले के पास गया था लाली जी, वो किसी नेता की रैली का बैनर बना रहा है, वो बोला शाम तक आऊंगा, इतना बिजी है। रतलाम में एक ही बैनर वाला है? हाँ नहीं नहीं, दूसरे के पास भी गया था, वो तो विरोधी पार्टी का बैनर बना रहा है, वो बोला कल तक आऊंगा। अगर कल तक यहाँ पर बैनर मुझे नजर नहीं आया है ना, बैनर लगेगा, गिराक पड़ेंगे तो दुकान के अंदर आएंगे ना, बिक्री कैसे बढ़ेगी? हाँ आ गए नवाब साहब, कोई कारपेट नहीं बेचने वाला आपके लिए। आहा, श्रेया गधे को इंसान बनाने में लगी हुई है, पर जनाब को बनना ही नहीं। सॉरी पापा, सो सॉरी, मैं चलता हूँ। चल चल, नहीं पहले आरती उतारेंगे ना आपकी, जाओ अंदर काम करो। चलो गाड़ी, अरे गाड़ी दुकान के सामने बंद पड़ गई। रूपचंद, अरे क्या ये गाड़ी है मेरी? तो मेरी दुकान के आगे क्यों लगाई? हटाओ यहाँ से। दिख नहीं रहा है क्या लाला? खराब हो गई गाड़ी, स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन में कुछ गड़बड़ी है, मैकेनिक को दिखाना होगा। तो मैकेनिक को बुलाओ और ठीक करके हटाओ यहाँ से, कमाई का वक्त है, मेरे ग्राहक कहाँ से आएंगे जाएंगे? अरे हाँ हाँ बोल दिया है मैकेनिक को, आ जाएगा, लेकिन आज नहीं, गाँव गया है, 3 दिन बाद आएगा। देखो 3 दिन तक हम इंतजार नहीं कर सकते, मुझे पता है ये सब तुम्हारी चालबाजी है, ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी करोगे तो हमारे ग्राहक कहाँ से आएंगे? ये कार अभी के अभी हटाओ यहाँ से। पापा शांत हो जाइए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। ये पता है कल जो कूड़ा दुकान के सामने था ना, वही तुमने ही फेंकवाया होगा, और आज ये गाड़ी लगा दी यहाँ से, हटाओ इसे। लालच लाला, 3 दिन मतलब 3 दिन, समझे? रूपचंद गाड़ी हटाओ वरना गाड़ी का शीशा तोड़ दूंगा मैं। बेसन, चीनी और सरसों का तेल और सारी दालें 1-1 किलो, ये रख, इसी में मंगा लेना सारा, और आज ही मंगा लेना, घर में बहुत सारा सामान खत्म होने वाला है। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब हैंडल कर दूंगी। सासू माँ, सासू माँ दुकान पे जल्दी चलिए। सासू माँ क्या हुआ? डैडी जी गुस्से में किसी का भी सर्वर फोड़ देंगे, वेलकम में फट गया उनका, जल्दी चलिए सब। चलिए अरे, अरे मम्मी मैं भी चलती हूँ ना। नहीं बेटा तुम घर पे रुको, चल। हेलो, हाय गरिमा, कैसी है? कितने टाइम बाद फोन किया? अच्छा रतलाम में? बस 1 ही दिन के लिए, फिर तो मैं आज ही मिलना पड़ेगा। पिछली बार भी भाग गई थी ना तू, इस बार नहीं धोखा देना। तू एड्रेस बता, मैं भी आती हूँ। बिजी, मेरी कौन सी यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, वही बस घर के काम, वो तो होते रहेंगे। तू एड्रेस बता, मैं अभी आती हूँ। हाँ बता। ठीक है। माया बेटा जरा आज थकावट सी लग रही है, थोड़ी सी खिचड़ी बना दे गर्मा गर्म। रूपचंद, अरे अरे रामू भोला, पकड़ो हाथ। बहुत हो गया लाला जी, बहुत हो गया। अरे अभी आपके बड़े बेटे को जेल भिजवाया था, अब इसकी बारी है, मारपीट के जुर्मे से अंदर करवा दूंगा। पापा हटिए 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 हटिए। मम्मी क्या हुआ? आप ठीक है रूपचंद जी? ये क्या गुंडा करती है? मैं गुंडा करने का भाभी जी? मैं या आपका ये बेटा? देखिए क्या किया उसने, देखिए। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, उससे अंदर कराता हूँ। चलिए ठीक है। अगर ये जेल जाएगा तो आप भी जेल जाएंगे। बुलाइए पुलिस को। सेक्शन 45 आईपीसी, उसके हिसाब से इलीगल पार्किंग ऑन स्ट्रीट, गैर कानूनी तरीके से गलत जगह पार्किंग करना। और सेक्शन 339 ऑब्स्ट्रक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, हमारे दुकान के काम में रुकावट लाना। इन सब जुर्म के लिए आप भी अंदर जाएंगे। ठीक है ठीक है, मुझे ज्यादा कानून झाड़ने की जरूरत नहीं है। और गाड़ी तभी हटेगी जब ठीक होगी, तब तक जो करना है कर लो। अब आप घर जाइए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, दुकान में बहुत काम है, शाम तक तो बड़े ऑर्डर भिजवाने हैं। अगर मैं घर चला गया तो ये रूपचंद की जीत हो जाएगी। अरे पापा आप फिक्र मत करिए, हम है ना, हम सब मिलकर करेंगे। क्यों मम्मी? हाँ हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। अब घर जाइए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। उल्लू इन्हें लेके जाओ। लाला जी चलिए आप आराम से। श्रेया जी कमाल है, आप तो सेक्शन पे सेक्शन बताए जा रही थी, आपको कैसे पता? वैसे एक तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, लेकिन दूसरा तो ऐसे ही जोड़ दिया। हाथ में वजन आता है ना, देखा कैसे वो पुलिस को बुलाते बुलाते रुक गए। क्या बात है सासू माँ, संस्कार के साथ साथ थोड़े टेढ़े विचार भी हैं। ये आपकी तरह दुनियादारी भी चलाने जानती हैं। ऐसे टेढ़े लोगों के साथ ऐसा टेढ़ा व्यवहार ही करना चाहिए। अच्छा किया बेटा, चलो बहुत काम है। धमाकेदार ऑफर, 50% तक डिस्काउंट। ये तो खेल खेल गया हसुमा। सिर्फ हमारी बिक्री ना हो इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा ये रूपचंद। अगर ये ऐसे युद्ध करना चाहता है तो ठीक है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हसुमा हम क्या करेंगे? 50% का डिस्काउंट दे रहा है, ये तो जेल लेगा, हम लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ मम्मी, ऊपर से दुकान के सामने इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी कर दी है, ग्राहक आएंगे कैसे और हम सेल कैसे करेंगे? परिवार अगर साथ रह के लड़ने की ठान लेना तो बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकता है। अब इस कार के यहाँ रहते हम चमत्कार करेंगे, बस देखते जाओ। शाम जी मैडम, तिल गरम कर दो और सेव बनाओ, कम नहीं पड़नी चाहिए। हाँ ठीक है जी भाभी जी। हाँ तू पहले मार्केट जाओ, ढेर सारे फूल लेके आ। सासू मां आपके दिमाग में क्या चल रहा है? शादी में आप कहीं भी खड़े हो सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? दूल्हा दुल्हन के स्टेज पे। क्यों? कि वो सबसे सुंदर सजा होता है। तो हम भी अपनी दुकान को ऐसा सजाएंगे कि गली में कोई भी आएगा सबसे पहले उसकी नजर इस दुकान पे जानी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक फूल लगेंगे। हम भी यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे, अच्छे से सजाएंगे हम लोग। कमाल का आइडिया है मम्मी जी। आधे लोग तो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं कि टाइम पास हो जाए और मूड ठीक हो जाए। देखना इन लोग जरूर आएंगे। ऐसा लग रहा है एमबी आपने नहीं सासू माँ ने किया है। क्या सेल्स और मार्केटिंग का आइडिया है गुरु, क्या सर खोज ला रहे, सीखो कुछ। और हम एक रेड कार्पेट भी बिछा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। अरे तो रुके क्यों है, चलो जल्दी शुरू करते काम। हाँ उल्लू पहुँच गए घर? तबीयत ठीक है उनकी? नहीं, रास्ते में बोले डॉक्टर के पास लेके चल, वही लेके आया हूँ भाभी, आप भी आ जाइए। हाँ मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ मम्मी? अरे हमारे पापा को डॉक्टर पे लेके गए उल्लू। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं तुम सब यहाँ रुको, दुकान को सेट करो। हाँ मैं अभी आती हूँ। उस रूपचंद को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने हाथ खड़े कर दिए। हाँ दुकान संभालो, मैं आती हूँ। चलो जल्दी शुरू करते हैं, बहुत काम है। चलो हाँ। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे लड़िया लगाएंगे, फूल लगाएंगे और नीचे कार्पेट बिछाएंगे। अरे पर लेकिन कारपेट कहाँ है? कारपेट हम लेके आते हैं। हाँ जाओ जल्दी। जीजा चलो चलो कारपेट लेके आए। चलो 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 जल्दी जाओ। हाँ हाँ यहाँ पे बिछा दो। अरे 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 फूल फूल। अरे हाँ फूल। हाँ अब क्या करना मैडम? देखिए अब श्रेय ने कुछ दिनों तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब मुझे दुकान जाना होता है, मैं घर पे नहीं रह सकता। देखिए जैसी आपकी कंडीशन है ऐसी हालत में आपको घर भी नहीं, आपको तो पहाड़ों में जाके बैठना चाहिए। आपको स्ट्रेस कम करने की जरूरत है वरना ये बीपी कम नहीं होगा। और हाँ आज से कुछ दिनों तक बिल्कुल सादा खुराक खाना है, बाहर का बिल्कुल बंद। इतना भी कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहब, कुछ दिन परहेज करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। अब मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, ये दवाइयां मंगवा लीजिए और एक बेटा मिस नहीं होनी चाहिए। उल्लू एक्सक्यूज मी, अब आपको डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी ना। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है, आपने बहुत काम कर लिया इतने साल, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। दुकान संभालने के लिए हम सब है तो शुक्र है महालक्ष्मी का कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं निकली। बस करो तुम अपनी माता का नाम जपना, दिन भर देखो यही चलता रहता है। क्या क्या है तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने ये परिणाम दिया है। वो तो अच्छा है कि घर से सड़क पे आते आते बच गए हम लोग। बचाया भी तो माँ ने ही ना, ये नहीं देखते आप। मुझे ये समझ नहीं आता कि अपनी परम भक्त की ये हालत होने क्यों देती है तुम्हारी लक्ष्मी माँ। ये सब बेकार की बातें सविता, ये सब कुछ नहीं करने वाली वो तुम्हारे लिए कभी। देखिए आपको जो कहना है मुझे कहिए, लक्ष्मी माँ के लिए ऐसे शब्द मुंह से मत निकालिए। क्यों नहीं कहूँ? क्यों ना कहूँ मैं? प्रेसिडेंट की पोस्ट से मुझे धक्के मार के निकाला गया और अब दुकान से सीधा बिस्तर पे। ये फल मिला है तुम्हारी भक्ति का मुझे। और एक जो तुम हो ना, ये पूजा पाठ और पंडितों के चक्कर में बस पैसे गंवाती रहो और कुछ नहीं। चलिए तुम रहने दो। चलो लो डन। परफेक्ट। मस्त लग रहा है भाई, ब्यूटीफुल है ना। ऐसी एंट्री तो पूरे रतलाम में किसी नमकीन दुकान की नहीं होगी। सही में लोग देख रहे हैं कस्टमर आएंगे आएंगे आएंगे। अच्छा इसके पहले कस्टमर्स आए मैं जाता हूँ और गर्मा गर्म सेव निकलवाता हूँ। ठीक ठीक है मैं भी आती हूँ। आइए लेडीज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके हाथों में एक थैला कम है। कोई थैला गिर गया है? अरे जो लिया ही नहीं वो गिर कैसे जाएगा? ये सुखसागर नमकीन का थैला। जिन हाथों से वर्ल्ड बेस्ट चाय बनती है उन हाथों में वर्ल्ड बेस्ट नमकीन के थैले भी होने चाहिए ना। आइए आइए लेके जाइए प्लीज प्लीज। अरे वाह लो आपकी तो ये चाल भी काम नहीं करी। इन्होंने तो इसका भी तोड़ निकाल लिया। धड़ाधड़ सेल हो रही है इनकी। सब्र करो बेटा देखते हैं कब तक सेल होती है इनकी। श्याम भाई अपना वो तल देना और अच्छे से भाई। हाँ अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है अब मुझे निकलना पड़ेगा। श्याम भाई सेल का समय देख रहे हैं कितनी भीड़ है बाहर। मैं तो रुक नहीं सकता हूँ भैया माफ कीजिए मुझे जल्दी निकलना है। आप चले जाएंगे तो सेव कौन तलेगा? आप ही तल लीजिए ना हमें जाने दीजिए। मैं तल लूँ? हाँ मैं निकलता हूँ। अरे श्याम भाई सुनो अरे मैं क्या कर वैभव सेव तैयार हुए भिजवाओ जल्दी। हाँ हाँ मैं लाया लाया। बेटा तो हलवाई का ही। चलो ये परीक्षा भी दे देते हैं। हाँ हाँ लाया। हाँ और श्याम भैया को बोलो डबल क्वांटिटी बनाए। देखो कितने लोग आ रहे हैं। ठीक। पापा आपने तो कहा था अभी सप्लाई बंद हो जाएगी। यहाँ तो लोग अभी भी नमकीन लेकर निकल रहे हैं। अगर हलवाई चला गया तो कौन बना रहा है? पापा यहाँ लोगों की लाइन लगी हुई है कुछ करो। माँ लक्ष्मी माँ शुक्ला भक्ति देवी ने जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो। तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो। तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। माँ आज मैं अपनी किसी समस्या का समाधान मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। आप मेरे पति को माफ कर दीजिए। उससे मैं आपको बहुत बुरा भला कहा उन्होंने। सविता माँ अपने बच्चों पर कभी क्रोधित नहीं होती और वो मुझसे बहुत नाराज है। उसका क्या करूँ? ये तो स्वाभाविक है। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे मनमुटाव तो होते रहते। कभी कभी तो विष्णु जी भी मुझसे रुष्ट हो जाया करते। आप भी? फिर आप क्या करती हो? कैसे मनाती हो उन्हें? मनसा वाचा कर्मणा। क्या माँ, भगवानों वाली नहीं, इंसानों वाली भाषा में समझाइए। अर्थात मन, वचन और कर्म, इन्हीं तीन शब्दों में जीवन का सार छुपा है सविता। मधुर मन, विनम्र वचन और कुशल कर्म मनुष्य को किसी भी आपदा से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले तो तुम ये मन से निकालो कि समस्या तुम्हारे पति में है, क्योंकि समस्या की जड़ तो उनका क्रोध है और शत्रु व्यक्ति नहीं होते, व्यक्ति के विकार होते हैं। उनके क्रोध को नियंत्रित करना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए सविता। और क्रोध का तो एक ही समाधान, प्रेम। तुम्हें भी अपने प्रेम के अचूक बाण से अपने पति के क्रोध को भेदना होगा। तुम्हारे पति के कठोर व्यवहार को भी विनम्र वचनों से उत्तर देना है और अपने कुशल कर्मों से उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि वह तुम्हारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। माया बेटा, आज अपने पापा के पसंद की मटर पनीर की सब्जी बना देना। मम्मी पर मैं कैसे कि... अरे तू फिक्र क्यों करती है, मैं तुझे सारी रेसिपी मैसेज कर रही हूँ, पढ़ के बना लेना। हाँ ठीक है। और हाँ, पूरे मन से और शिद्दत से बनाना, ऐसा स्वाद कि ऐसी सब्जी उन्होंने कभी खाई ना हो। क्या हुआ मम्मी, पापा से कोई खास गिफ्ट चाहिए क्या? कुछ खास ही समझ लो, तू बस बना दे। हाँ ठीक है। गॉड, इतनी लंबी रेसिपी कौन बनाएगा इसे? मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। आइडिया, काम करती हूँ, बाहर से ऑर्डर करती हूँ, वैसे भी किसी को क्या ही पता चलना है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या किया आपने? अरे क्या सॉरी सॉरी, हमारा पूरा एंट्री का तामा झामा बिगाड़ दिया। मैं तो आप लोग की सहूलियत के लिए गाड़ी हटा रहा था, गाड़ी आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी सही ढंग से स्टार्ट ही नहीं हो रही है, क्या करूं? हटिए हटिए हटिए। अरे सासू माँ, ये देखिए, हमने मुगल गार्डन बनाया था, उसने गुलदस्ते की तरह कुचल दिया। इस बार ऐसे नहीं जाने दूंगा, इस बार तो हद पार कर दी उन्होंने। रुको वैभव, ऐसे बात करने से कुछ नहीं होगा। अब तो आर पार की लड़ाई होगी। इन्होंने पंगा लिया है, अब दंगा होगा।